नहीं नहीं ईडी से रिलेटेड बातचीत तो अलग मैटर है। जब माननीय विधायकों को बुलाया गया है तो स्वाभाविक है कि जो वर्तमान में राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उस पर चर्चा होगी और उसके बाद हम फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। क्या कल कुछ घेराव ईडी कार्यालय का होने से भी कुछ पार्टी नहीं, इस तरह का कोई मामला नहीं है, लेकिन हम लोगों को भी सुनने में बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी ये खबरें आ रही है, लोगों में जो आक्रोश है और पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो भावना है वो स्वतः यहाँ पहुँच रहे हैं, ये सूचना हम लोगों को है। अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या किया जाना चाहिए। नहीं, अभी तो जाने की कोई सूचना हम लोगों को नहीं है कि मुख्यमंत्री कल जाएंगे या नहीं जाएंगे। अभी वो सम्मन मिला है, उस पर राय विचार लिया जाएगा, कानूनी सलाह लिया जा रहा है और कानून सम्मत जो भी बातें होंगी, जो भी कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। नहीं नहीं, ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई कि राजभवन की खामोशी हमको लगता है कि सभी बातें स्पष्ट कर रही है। और माननीय राज्यपाल महोदय का ये बयान दीपावली के समय में कि झारखंड में बम फटेगा, तो ये बहुत कुछ कहता है और राजनीतिक परिस्थिति को भी उससे हम जोड़ के देख सकते हैं। केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा है और गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीएम को समन मिलने के बाद से झारखंड की राजनीति में हलचल मच गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री आवास में यूपीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है जिसकी अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। बैठक के लिए शाम विधायक पहुंच रहे हैं। बैठक में झामुमो, कांग्रेस और राजद के विधायकों को शामिल होने का निर्देश दिया गया था। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर साहिबगंज दौरे पर थे। समन जारी होते ही वो रांची लौटे और यूपीए विधायक दल की बैठक बुलाई। बता दें कि अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्हें 3 नवंबर को पूछताछ के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को तलब किया गया है। इस मामले की कार्रवाई करते हुए ईडी को कई अहम दस्तावेज और अन्य साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पर ईडी सीएम से पूछताछ करेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में ईडी कुछ वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस को भी नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। ईडी ने 8 जुलाई को पंकज मिश्रा के ठिकानों पर छापामारी की थी। इस दौरान ईडी ने एक सीलबंद लिफाफा बरामद किया जिसमें एक पासबुक और 2 चेकबुक है जिसमें हस्ताक्षर किया हुआ है। 31 ब्लैंक चेक बरामद हुए हैं जो बैंक ऑफ इंडिया साहिबगंज में गंगा प्रसाद शाखा के हैं। पासबुक और चेकबुक हेमंत सोरेन के नाम से हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।